तो हेलो गाइस, बजट डे के लिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोग किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो बजट आने वाला है वो 11 बजे आने वाला है, तो आपको 11 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 11 बजे आपको वही ट्रेड करना है जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना है। ऐसा आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, और कल आपके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखना है जितना कि जीरो भी हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। क्योंकि कल वोलेटिलिटी जो रहेगा बिल्कुल कमाल का रहेगा। आप यहाँ पे प्रीमियम आपका 300 वाला 500 हो जाएगा, 500 वाला 300 हो जाएगा, वो चीज़ आपको कुछ पता नहीं लगेगा, फिर 300 का 500 हो जाएगा। तो कल वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। बट 11 बजे के पहले हम लोग किस तरह से ट्रेड करें कि प्रॉफिट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर चार्ट एनालिसिस बता देता हूँ। अगर मार्केट ओपन हो करके आज के हाई को निकालता है, ठीक है, आज के हाई को निकालता है, तो हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, ये एक इनसाइड कैंडल बना था, ठीक है, ये वाला, ये दोनों को मिल करके एक इनसाइड कैंडल बना था। बट हुआ क्या, आज के दिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो मार्केट बेरिश हो जाता। बट हुआ क्या कि इसके नीचे आया बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसी के बीच में फिर से क्लोजिंग दे दिया। मतलब ये कैंडल भी इनसाइड ही हो गया, इसी के बीच में हो गया। तो मार्केट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा जोन में है, ठीक है, जोन में। और अगर हम 15 मिनट पर आ जाएं तो 15 मिनट में भी आज जोन में है। क्या हुआ, इस जोन का सबसे पहले मॉर्निंग में ही ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट इसी जोन में घुसा और इसी जोन में घूमते रह गया। तो कल करना क्या है कि अगर ये जोन का ब्रेकआउट होता है, कल के दिन अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल करके इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है फ्लैट खुल करके, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है, ये जो एनालिसिस है वो 11 बजे के पहले ही काम करेगा। अगर 11 बजे से ऐसा होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको शांति से बैठे रहना है, आपको उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है। उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, मैंने अभी अभी डाला है, ठीक है, इस वीडियो को डालने से पहले, तो वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिए। ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी को किस तरह से कल ट्रेड करें। तो निफ्टी का भी वही हाल है, सेम हाल है। ये नीचे वाला काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 24,480 का। अगर ये कल 11 बजे के पहले ब्रेकडाउन होता है तो ठीक है, ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर की साइड अगर फ्लैट खुल करके इस लेवल को निकालता है 11,540 के लेवल को, तो ऊपर की साइड हमें काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को। देखिए, ये सब जो मैं बता रहा हूँ एनालिसिस, वो 11 बजे के पहले ही वर्क करेगा। 11 बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पे मार्केट चलेगा। 11 बजे के बाद आपका चार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा और न्यूज़ देख करके वर्क करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। और आज का डे हमारा अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हमने आज बैंकेक्स में ट्रेड किया, बैंकेक्स में हमारा फर्स्ट एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल हिट होने के बाद हमने फिर कोई भी ट्रेड नहीं लिया और यहाँ पे हमने फिर क्लोज कर दिया अपने ट्रेड को। और बस यही आज का एनालिसिस बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर इस तरह के एनालिसिस को आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।